हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन इन सीक्रेट लॉजिक। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एफ बेबी शॉपिंग हॉल। इट्स डेफिनेटली नॉट अ ट्राई ऑन हॉल, क्योंकि मैं ट्राई करके आपको भी नहीं दिखाने वाली हूँ। हो सकता है अपकमिंग वीडियोस में मैं इसको कभी पहनूँ तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं इसकी पिक ज़रूर लगाऊंगी जब भी पहनूंगी। तो FBB जो है बहुत ही अफोर्डेबल मार्केट है, जहाँ की कम रेंज में आपको बजट रेंज में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो मैंने कुछ शॉपिंग की, बहुत ही मिनिमम शॉपिंग है ये, बट मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि मैंने जो सूट लिया, एक तो फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग लिया था, दिवाली के पहले ही लिया था, बट मैं ट्राई मतलब मैं शेयर नहीं कर पाई इस वीडियो को, बिकॉज मैंने शूट ही नहीं किया था। फेस्टिव सीजन में आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, घर में इतने काम होते हैं कि दैट्स वाई आई एम नॉट शूटिंग दिस वीडियो। बट नाउ अभी शादियों का सीज़न आ रहा है, तो आप छोटे मोटे फंक्शन में इस तरीके के आउटफिट को आप ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ डेफिनेटली वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो फर्स्ट कुर्ती ली है वो मैंने फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग ली थी, और वेडिंग सीजन में भी आप इसको पहन सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जो इसका कलर है वो ये है, बेज और गोल्ड का मिक्स कलर है, विच आई लाइक द मोस्ट, क्योंकि ये आपको ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये हर फंक्शन के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे कोई फेस्टिव ओकेजन हो, चाहे कोई मैरिज फंक्शन हो। आप इसको मेहंदी फंक्शन में या कोई भी छोटे मोटे फंक्शन में, क्योंकि शादी के टाइम में अगर थोड़ा सा हैवी पहनना चाहते हैं आप, चाहो तो इसको वेडिंग में भी पहन सकते हैं। डेफिनेटली यू विल रॉक टू वियर दिस काइंड ऑफ ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये स्ट्रेट है और ये सृष्टि ब्रांड का है। मेरा साइज इसमें स्मॉल है, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। FBB की खासियत यह है कि एक जैसे कपड़े जो है आपको 3-4-5 सेट में मिल जाते हैं, और हर साइजेस के अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ तक इसकी लेंथ है, इस तरीके से है। आप जो है कोई भी रेड कलर का बनारसी दुपट्टा या बांधनी दुपट्टा या कोई भी जो मल्टीपर्पज दुपट्टा, तो फुलकारी दुपट्टा आप ले सकते हो, क्योंकि ये ऐसा कलर है जिसके साथ मोस्ट ऑफ द कलर जो है वो जाएगा। आप पिंक कलर का दुपट्टा या रेड कलर का दुपट्टा इसके साथ ट्राई करिए, डेफिनेटली बहुत ही प्यारा लगेगा। इसके साथ ही साथ आप ब्लैक आउटफिट यानी कि ब्लैक दुपट्टा भी इसके साथ चूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जो बेज शेड है इसके लिए मैंने जो प्लाजो लिया है, मैंने कोई पैंट या सलवार नहीं लिया, मैंने प्लाजो लिया, क्योंकि प्लाजो इन दिनों काफ़ी ट्रेंड में है। तो मैंने ये ब्लैक कलर का प्लाजो लिया है, और ये काफ़ी बॉटम इसकी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही शरारत काइंड ऑफ ये लुक देगा इस तरीके से। और इट्स ऑल्सो अ ब्रांड सृष्टि, और प्राइस की मैं बात करूँ तो ये मुझे पड़ा था 899 रुपीज़ का, 899 रुपीज़, एंड इट्स ऑल्सो स्मॉल साइज, यू कैन चूज वॉट एवर साइज यू आर फिट। इसकी मैं बात करूँ तो ये भी आपका डेफिनेटली कुछ सेल प्राइस चल रहा था, तो मुझे लगता है ये मुझे 400 या 600 के आसपास पड़ा था, मुझे एग्जैक्टली प्राइस इसका याद नहीं है, इसका टैग भी निकल चुका है, साथ ही साथ इसमें पॉकेट भी दिया हुआ है, तो अच्छा आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं अगर आप किसी पार्टी में गए हैं इस तरीके की, तो यू कैन ट्राई दिस। तो गाइज, ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा इसके साथ। तो आप फेस्टिव सीजन में या शादियों के कोई भी छोटी मोटी पार्टी में इस तरीके के आउटफिट को पहन सकते हैं। अगर साथ ही साथ आप इसके आपने अगर दुपट्टा ले लिया इसके साथ, तो बहुत ही गॉर्जियस लुक आएगा। थोड़ा सा दुपट्टा हैवी लीजिए तो लुक बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है इसके साथ। मैंने जो प्लाजो लिया इसमें ऑलरेडी बहुत वर्क है, तो मैं अगर सिंपल दुपट्टा लूँ तो भी बहुत अच्छा मैच करेगा। साथ ही जो मैंने प्लाजो लिया है ठीक वैसा ही दुपट्टा आपको FBB में मिल जाएगा, तो आप दुपट्टे के साथ प्लाजो भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू टेक इट आउट। आई थिंक 400 के आसपास आपको दुपट्टा मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक सिंपल कैजुअल कुर्ती ली,
जो कि मुझे काफ़ी पसंद आ गई, और इसको डेफिनेटली मैंने दिवाली के पहले ही लिया था। और कलर इसका ब्लैक और वाइट में है कुछ इस तरीके से, और इसको मैंने इसके साथ मैंने शायद पिक इंस्टाग्राम पे अपडेट की हुई है, मैं रेफरेंस पिक्चर यहाँ लगा दूंगी। इसके साथ ही इसमें जो ये वर्क दिया हुआ है पिंक कलर से, और यू नो रेड है, ग्रीन है, येलो है, तो मैंने इस पर एक मल्टीपर्पज़ दुपट्टा लिया था, तो ये मुझे पड़ा था 700 के आसपास, और ये भी सृष्टि ब्रांड का है। मटेरियल इज़ वेरी गुड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आई थिंक जो जो ये मटेरियल है इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है ये वाला मटेरियल, ये मुझे बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल। मैंने इसको दिवाली के पहले लिया था तो एज अ समर आउटफिट लिया था, बट यू नो आई जस्ट लव दिस, बहुत ही प्यारा, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये कुर्ता। पीछे से प्लेन है और आयरन नहीं, क्योंकि मैंने इसको पहन के वॉश करके रखा है, वॉश करने के बाद बिल्कुल भी कोई कलर नहीं गया है इसका। थोड़ा आपको महंगा लग सकता है, लेकिन आई थिंक 700 में इतनी अच्छी कुर्ती बहुत ही मुझे बजट में लगी। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ दो तीन लेगिंग्स ली विच इज़ एंकल लेंथ, और ये मैंने वाइट कलर में लिया इस ब्लैक कुर्ते के साथ पहनने के लिए, और ये एंकल लेंथ तक है इस तरीके से, और इसका प्राइस है 299 रुपीज़, आई थिंक 299, आई एम नॉट श्योर, टू साइज एम है इसकी गाइज, और मुझे प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसका प्राइस 250 या आई थिंक 250 के आसपास है, तो मुझे बहुत ही बजट में लगता है, और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका भी, और सही है, ये काफ़ी अच्छी लेगिंग्स है। तो मैंने दो तीन लेगिंग्स ली हैं इसमें की, क्योंकि मुझे और भी मेरे आउटफिट के साथ मैच कराने के लिए, कई बार होता है ना कि आप किसी पुराने कुर्ती को भी आप लेगिंग्स के साथ मैच करके पहन सकते हैं, मिक्स एंड मैच, बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। तो बहुत ही बजट में मिलती है आपको बेबी में जो है लेगिंग्स वगैरह, तो आप ज़रूर परचेज़ करिए। इसके अलावा कुछ मैंने विंटर के लिए थे लेगिंग्स, जो कि मैंने इसके अलावा मैंने जो है कुछ लिए थे विंटर लेगिंग्स जो कि मैंने गिफ्ट कर दिए किसी को। मैंने पिछले सीज़न अपने लिए कुछ लिया था, तो अगर आप चाहते तो मैं ज़रूर आपको शेयर कर दूंगी। और बिल्कुल वैसे ही उसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, कलर बिल्कुल भी नहीं जाता है आफ्टर वॉश, प्राइस उसका भी आई थिंक इसी के आसपास है, इससे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वो विंटर कलेक्शन, आई थिंक 500 के आसपास मैंने लिया था। इस बार मैंने दो लिया जो कि मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, दैट्स आई एम नॉट शेयरिंग हियर, क्योंकि दिवाली पर हमारे यहाँ गेस्ट आए थे उसी समय मैंने जो है गिफ्ट कर दिया, मैंने डेफिनेटली उन्हीं के लिए लिया था जिनको भी मैंने गिफ्ट किया। इसके अलावा मैंने एक पजामा लिया है घर में पहनने के लिए, सो आई विल शो इट, और मैं इसको पहन भी रही हूँ, आई थिंक एक दो हफ्ते से ऊपर हो चुका है, और इसको वॉश भी किया है, बहुत ही क्यूट लगा मुझे। इसके पहले भी मैंने एक पजामा लिया था और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इस बार मैंने फिर से शॉपिंग की और एक पजामा ज़रूर लिया मैंने, और ये भी एम साइज़ मुझे फिट आता है, और प्राइस की मैं बात करूँ तो इट्स ऑल्सो 250 और 300 के आसपास है। बहुत ही सुपर सॉफ्ट फैब्रिक है, और यू नो आपके डेली वेयर पजामे के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, आप टी शर्ट्स के साथ, इवन कुर्ती के साथ भी इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है। एज अ स्लीप वेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स वाई आई विल परचेज इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि इसके पिछले सीजन में भी मैंने क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक पजामी खरीदी थी जो कि बहुत ही कंफर्टेबल थी, मैं उसको अभी भी यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई आई विल परचेज इट अगेन, दैट्स वाई मैंने इसको दोबारा परचेज़ किया, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है फैब्रिक एंड बहुत ही कंफर्टेबल सा है। तो बस यही इतनी सी थी मेरी कुछ शॉपिंग छोटी सी, और छोटा सा था मेरा वीडियो, आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा ये वीडियो, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मेरे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।